नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन सबसे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करवा चौथ की गोपनीय विधि की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस गोपनीय विधि के द्वारा महिलाएं करवा चौथ का व्रत करके किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकती हैं। करवा चौथ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। ये अपने आप में एक बड़ा मुहूर्त माना जाता है करवा चौथ। इस दिन का अगर विधिवत उपयोग महिलाएं करें तो अपने जीवन में जो दुखद घटनाएं घटित हो रही हैं उनका वे समाधान कर सकती हैं। जैसे कि पति पत्नी में नाराजगी चल रही है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में विवाद बढ़ते बढ़ते तलाक तक बात पहुंच रही है, पति की नजर किसी दूसरी स्त्री पर है, पति हमेशा बीमार रहता है, व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, पति की नौकरी ठीक ढंग से नहीं चल रही है, शत्रु परिवार को परेशान कर रहे हैं, परिवार में किसी भी किस्म की खुशहाली नहीं है, तो इस गोपनीय विधि का उपयोग महिलाओं को करना चाहिए। इस विधि से महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा तो ये मिलता है, आमतौर पे होता है कि पति उनका काम के सिलसिले में बाहर जाता है, पता नहीं कब कैसे किस तरीके से उसका मन भटक जाए कहीं दूसरी महिलाओं में, तो ये चीजों का तो फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस गोपनीय विधि का उपयोग महिलाएं करें तो उनका पति पर यूं कहें नियंत्रण भी रहता है, पति पत्नी में प्रेम अच्छी तरीके से दिनों दिन बढ़ता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से बढ़ती है और उनका जो वैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन है ये हमेशा खुशहाल रहता है। तो सबसे पहले महिलाओं को ये जानना होगा कि ये करें कैसे, किस तरीके से करें। तो पहला नियम ये है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ है तो एक दिन पहले यानी कृष्ण पक्ष की तृतीया को महिलाएं ब्रह्मचर्य रहे हैं, उसके बाद चतुर्थी को सुबह के समय अपने पूजा घर में या किसी भी जगह पर आराम से बैठ जाएं, अपने सामने आसन बिछा लें, लाल आसन बिछा लें, उसके ऊपर सिंदूर रखें, ऑरेंज सिंदूर। याद रखें सिंदूर दो तरीके के होते हैं, एक रेड सिंदूर होता है, लाल सिंदूर होता है, एक ऑरेंज सिंदूर होता है। तो ऑरेंज सिंदूर जो होता है बहुत शुभ होता है, 50 ग्राम सिंदूर आपको मार्केट से मिल जाएगा, उस 50 ग्राम सिंदूर को लाल कपड़े में किसी कागज में आप रख दीजिए और रखने के बाद उसके सामने आप बैठ जाइए। सामने बैठने के बाद कामाख्या का विशेष मंत्र ओम ह्रीम कामाख्ये प्रसीद प्रसीद स्वाहा, ओम ह्रीम कामाख्ये प्रसीद प्रसीद स्वाहा, ओम ह्रीम कामाख्ये प्रसीद प्रसीद स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज ज्यादा दूर तक न जाने पाए, धीमी आवाज में इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो, तुलसी की माला हो, मूंगा की माला हो, क्रिस्टल की माला हो, किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो अगर मन किसी माला से मंत्र का जाप करना है तो आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है, 21 माला, इसमें करीब करीब 1.5 घंटा आपको लग जाएगा 21 माला मंत्र का जाप करना है। और अगर आप माला से मंत्र का जाप नहीं करना चाहते या आपके पास माला नहीं है तो 1 घंटा इस मंत्र का जाप करें, सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा मंत्र का जाप किया, आपका अभ्यास समाप्त हुआ। हाँ, इस दिन फलाहार रहें, रसाहार रहें और सूरज अस्त होने के बाद
चांद को देखकर अपना उपवास तोड़ें, बस इसकी खास बात यह है। तो ये मंत्र बहुत ही काम में आने वाला है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑरेंज सिंदूर लें 50 ग्राम और लाल कपड़े में किसी कागज के ऊपर रख दें और उसके सामने बैठकर कामाख्या का मंत्र का जाप करें। आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है। किसी माला से मंत्र का जाप कर रहे हैं तो, अगर माला नहीं है तो एक घंटा इस मंत्र का जाप करना है। आपका अभ्यास समाप्त। अब क्या करें? अब वो जो सिंदूर होता है, ये सिंदूर आपके बहुत काम में आता है। बहुत सी सुहागिन स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, तो आप सिंदूर का तिलक या टीका आप लगा सकते हैं, माथे पर लगा सकते हैं। ये एक लाभ मिलता है, इससे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। दूसरा इसका लाभ ये मिलता है कि किसी ताबीज में अगर उस सिंदूर को दे दिया जाए, सिंदूर को भर दिया जाए और पति को पहनने के लिए दिया जाए, तो ये पति के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच का काम करता है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके पति से दूर रहती है, किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपके पति से दूर रहती है, तो इस तरीके से तंत्र मंत्र से पूरी तरीके से सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा वो कवच पहनने से पति के काम में जो अड़चनें आती हैं, पति के काम में जो रुकावटें आती हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। नौकरी कर रहे हैं आपके पति तो उनके काम में आपको फायदा होता है। हर तरीके से यानी पति पत्नी की सुरक्षा होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। वो सिंदूर अपने घर में रखें, अगर आप सिंदूर नहीं भी लगाती हैं तो भी वो सिंदूर जो है पूजा घर में रखें, अपनी तिजोरी में रखें, अलमारी में रखें, तो बहुत शुभ माना जाता है। और जिस घर में कामाख्या का इस तरह का सिंदूर होता है सिद्ध किया हुआ, वो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यानी करवा चौथ के दिन किया सिद्ध किया हुआ जो सिंदूर होता है, ये बहुत काम में आता है। अब किसी कारण से अगर आप करवा चौथ को नहीं कर पाए, यह प्रयोग नहीं कर पाए, तो किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें करवा चौथ को करने की, क्योंकि करवा चौथ बहुत बड़ा मुहूर्त माना जाता है। अगर किसी कारण से ना कर पाए तो किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आप ये प्रयोग करें। इस प्रयोग से पति पत्नी में बहुत प्यार बढ़ता है, अनबन दूर हो जाती है, उनका जो घर संसार है सुखमय हो जाता है, हर तरीके से लाभ मिलता है और पति का मन कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी अवस्था में दूसरी स्त्री की तरफ नहीं जाता। इस तरीके से महिलाओं को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है ऐसा करने से। बाकी आपकी जो करवा चौथ की विधि है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये विधि जो मैंने बताया इसका उपयोग करने से आपको अतिशय लाभ मिलेगा। आशा है आपकी जिंदगी में आपका परिवार खुशहाल रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। धन्यवाद।